बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक कदम बहन भाई ठीक हो देसी दवाना शुरू कर दी। शुरू करने से पहले छोटी सी अर्ज़ है, जिस भैन भाई ने महा विलेज ब्लॉग सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल का बटन लाजमी प्रेस कर कि आने वाली हर वीडियो भैन भाई तक फिर वक्त पाँदी रहे। चलिए वीडियो इस तरह की अज मैं दूसरा माह गई हुई है गुरुते पाग इतने साथी चक के उन्होंने सद्या से हमसाया ने तो गुरुते पाग पढ़न गई हुई है। पिज़्ज़ा बेटी तो माहों बेटी तो मैं लगी सी रेसिपी तैयार कर शाम का खाना तैयार कर लगी सी जी। मेरी तरफ भी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। जैसा कि मेरे बहन भाई देख सकते हैं मौसम दो तीन दिन तो इसे तरह ही है तो बहुत प्यारा इस टाइम हो जाता वा। कावां ने भी श्रीयां ते बैठे बहारा ला रहे हैं तो बारिश पई धुप गया बाग बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत हो रहा। माह बेटी गई है जी फिज़्ज़ा बेटी जैसा कि बेगम ने दस्या पढ़न दरुदे पाक ते बोल अज माँ रही नहीं रही बेगम के अज कपड़े धोते तो कपड़े धोते तो डिगी आ डिग के ते लवाई है सट सिगट लगी आ बाजू ते के लत लगी सट ते आवाज भी नहीं निकलती तो रोजा रखे ते चलो खैर जी जो नसीबा च मुकदरा जो दुख सुख वो तो अल्लाह तरफ आता तो अग जला ली हुई है जी। तो हम कर दें तैयार अपनी रेसिपी जी रेसिपी तैयार करनी है इंशाल्लाह भैन भाई जरूर शेयर करा। चलो जी पढ़ो बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर करे। अच्छा जी चलो बिस्मिल्लाह अल्लाह खैर करे जी क्योंकि हले टाइम तो है लेकिन अपनी टाइम के ना रेसिपी तैयार हो जाए क्योंकि इफ्तारी करनी इफ्तारी तो पहले पहले साड़ी हांडी भी तैयार रोटी भी तैयार बाकी जो भी नसीब मुकद्दर जो भी तैयार करके फिर अपना खोल के फिर नमाज पढ़ के तो फिर रोटी खाने सब। हाँ जी बाकी अल्लाह खैर करे जी ओपन किचन च बाहर हां जी जिंदगी नाल कदी अंदर ते कदी बाहर क्योंकि अंदर गर्मी सी लगा चलो बाहर नाले हवा। हां जी तो कहते आबो हवा देखो ना सी बाहर ओपन किचन च इतने बहुत आबो हवा यानी कि हवा ना भी चले ता भी ठंडक तो है ना ते अंदर फिर थोड़ा सेक सुबह सारी टाइम तो साडा फिर अंदर ही है ना। हां जी वो तो अंदर ही बना लेगा वो सारी टाइम। हां जी ते बाकी साडे तमाम यूट्यूब फैमिली नु अल्लाह खुश रखे शादो आबाद रखे जिन्होंने सानू इत्थे तक पहुंचाता घर बनाता सानू रुटी दवे सेहत दवे सानू पहुंचा दिता सोहना घर बना के ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹਿੰਮਤ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ ਸਾਡਾ ਖੁਆਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇਗਾ ਮੌਸਮ ਐਸਾ ਐਸਾ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫੀ ਛੱਪਰੇ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਥੱਲੇ ਹਾਂ ਲੱਖ ਤੇ ਕਰੋੜ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਦਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਘਰ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਮੀ ਰਹਿ ਗਈ ਆ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹੁਣ ਐਸਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਣੀ ਆ। ਮਸਾਲੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰੌਣ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਕਮੇ ਮਸਾਲੇ ਪੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਰੌਣ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਛੋਟੀ ਭਜਾਈ ਤੇ ਆ ਛੋਟਾ ਟੋਟਰੂ ਵੇਖੋ ਕਿੱਧਰ ਬਲ ਚੁੱਕਦੇ ਪੈਣ ਜੀ ਇੱਥੋਂ। ਵਾਲਿਕਮ ਸਲਾਮ। ਹਾਂਜੀ ਗਵਾਲ ਚੁੱਕ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪਕਾਓ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਗਏ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਰੈਸਪੀ ਵੱਲ। ਹਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਹੁੰਚੇ ਘੁੰਮ ਘੁਮਾ ਕੇ ਪਿਆਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਬਰਾਊਨ ਜੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਲੱਗੇ ਐਡ ਕਰਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਭਜਾਈ ਬਾਲਣ ਚੁੱਕਰੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉੱਧਰ ਚੱਲ ਗਏ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇਣੀ ਸੀ ਉਹ ਖੁਦ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣਾਂ ਵਾ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਆ ਜੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹੜਾ ਵਾ ਸੋਰੀ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਭੈਣ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਬਾਈ ਦੇ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵੀ
गिफ्ट आया, ईद गिफ्ट आया, वह भी इंशाला उन्होंने देंगे तो वह भी भैन भाई जरूर शेयर करा। तो उस बाकी का भी बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक उन्हें सेहत और तंदुरुस्त लम्मी जिंदगी ता फरमाए, आमीन सुल्ला आमीन जी। हाँ जी हूँ जी ऑर्डर, चलो जी प्याज अज बड़े लाल किते, सही रेसिपी बहुत जबरदस्त जी, मेरी फेवरेट पसंद आ। तो भुन्नी भी माशाल्लाह बेगम बहुत प्यारी ला रही, खुशबू तो होने आ रही, लेकिन अज चस्सा करा दे इफ्तारी तो बाद, बड़ी देर तो बाद रेसिपी तैयार हो रही है जी। हाँ जी कद्दू शरीफ की अज रेसिपी जी, मैं बहुत शौक रहा खाना कद्दू शरीफ, लेकिन हाले कि मेरे छोटे दो बच्चे नहीं खाते, फिजान अली भी ते असद बेटा भी, लेकिन अज ले आंदे, चलो उन्होंने कोई होर चीज़ दे देंगे, जो खा लेंगे तो बेहतर उन्होंने कई का भी खाया करो। हाँ जी कद्दू शरीफ की तो क्या ही बात आ जी, खाना भी अच्छी गल, ताकत वाला भी आ बेहतरीन आ। तो साढ़े नबी पाक नू सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी पसंद सी यह सब्जी। कद्दू शरी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह सोनिया बरकता पा दी, रहमतां कर दी, मेरे भैन भाइयों ने भी खुशियां से नवाजी, अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब दे सदके मेरे देखने वाली यूट्यूब फैमिली, मेरिया भैन भाइया बच्चों बड़िया छोटिया सब न अपने हिफ्ज़ो ईमान च रखी, इस माह रमज़ान के सदके अल्लाह पाक उन्होंने हमेशा रहमत दे साए थले रखी और खुशियां से नवाजी जी, इन्हों माल जान कारोबार च बरकत ता फरमाई, अल्लाह पाक खैर कर माशाल्लाह जी। कद्दू शरीफ ऐड हो चुकिया वा, हमने वे तो शोरबा भी बनाना वा, खुशक नहीं बनाने ठीक है ना, क्योंकि मैनू शोरे वाले पसंद ने। हाँ जी शोरबा रख के ना सोने जी करके पकाने बेहतरीन जी करके, तो मौसम बदल जो फिर काफ़ी होंगे जा रहे हैं ठीक है ना जी, तो जल्दी जल्दी बेगम को कह रहे हैं कि बना लो हंडिया। अच्छा। के बदल बहुत ज़्यादा होंगे जाते हैं, इन्ना हवा असं बाहर रह जाए, कल रोटी भी बनानी है, पर रोटी भी असं इतने बाहर ही बना लेनी है, तो बदलों का हमें दसिया तो दो दिन का है, इसे तरह नहीं देखो हम दो दिन हो रहा तीन दिन हो रहा एक कोई पता नहीं, तो बाकी मौसम बहुत प्यारा कल्चर है जी, इस साइड देख सकते मेरे भैन भाई, सानू बहुत खूबसूरत लगता, खुशबू आ रही है, कलियां जिहड़ियां खिलियां वा, जूम कैमरा कर दें जी देख बेटियां प्यारियां जी, चिट्टियां सफेद सोहनिया, तो बहुत प्यारियां जी, बड़ी खुशबू आती जिस टाइम हवा चले, वैसे भी इतने बहार आ जी, तो बड़ा प्यारा मौसम। अच्छा जी छे पानी वगैरह नहीं लाना, अच्छा 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 सही हो गया, तो चलो ठीक है मेरे भैन भाइयों, हांडी हो गई समझो जी सारी तैयार, बाकी पानी ऐड करना कुछ देर तो बाद होएगा, तो वीडियो का भी इतने ही एंड कर रहे हैं जी, अल्लाह हाफिज़।